तक महरुन्निसा और वहाज इस घर में है, कोई अपना मकाम नहीं बना सकता। तुमने बीजान के दिल से वहाज का प्यार निकालकर अपना प्यार अपनी जगह बनानी है, तभी तुम इस घर की मालिक बन सकोगी। कौन है वहां? ओह माय गॉड, बड़ी मामा, मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। ट्रस्ट मी, मैं बस पापा की पिक्चर्स देख रही थी, मैंने वो भी वापस जगह पे लगाई, और फिर यहाँ आप लोगों की फैमिली पिक्चर बहुत प्यारी लग रही थी, वो तनी मेरे हाथ से स्लिप हो गई। कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तस्वीरें टूट गई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं उस तरह। कैसे कुछ नहीं होता बड़ी मामा, ये मैंने तोड़ी ना। बेटा मैं तुम्हें, उठो उठो, शैला शैला, मैंने जानबूझ के नहीं किया बड़ी मामा, मेरे हाथ से स्लिप हो गई। कोई बात नहीं शैला, मुझे माफ कर दे प्लीज, इसको सही करवा लेते हैं ना, वरना हो जाएगी सही। तुम परेशान नहीं, क्या हो गया? दर्द हो रहा है। दादो दादो दादो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। ये फ्रेम मैं बस यहाँ से उठाया था, मैंने बहुत अच्छी लग रही थी पिक्चर आप सबकी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया वो। रियली सॉरी, कर लिया मेरी जान, इसको चेंज करा लेते ना, अगर किसी को पता चल गया तो। मेरा बच्चा, किर्चियां तो नहीं उठाना चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ बीजान, मैं भी मना कर रही थी, लेकिन सुनती भी तो नहीं है ना वरीशा। मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। एक काम करते हैं बड़ी मामा, दादो हम चल के ना इसको फ्रेम को जल्दी से चेंज करवा लेते हैं, वापस लगा लेंगे, अगर किसी को पता चल गया तो। किससे डर रही हो तुम? वो वहाज से डर रही हूँ, उसे पता चल गया कि मैंने आप लोगों की फैमिली पिक्चर, जबकि मैंने जानबूझ के। क्या है बेटा, क्या हो गया है? उसको कौन बता रहा है कि तुमने तोड़ा है? और अगर टूट गई तो क्या हुआ, बन जाएगी दोबारा? हाँ मगर वहाज तो मुझसे वैसे ही नफरत करता है, वो तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर रहा इस घर में, वो मेरी इस गलती को कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं बैग लेकर आती हूँ, आप लोग मुझे मामा के पास भिजवा दें वापस, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होगा ना मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन यहाँ वहाज का रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं घर चली जाती हूँ दादा। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, वहाज को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बहाना कर दूंगी ना कि मैंने उतार के रख दिए कहीं, क्यों परेशान हो रही हो? पक्का? हाँ हाँ पक्का। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वहाज का दिल हीरे का है, उसे मत डरो बेटा। गलती हो गई इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है बेबी। आप छुपा देंगे, उसे बताएंगे तो नहीं ना? बिल्कुल छुपा दूंगी, बल्कि तुम जाओ जाकर आराम करो, वहाँ जाएगा ना तो हम देख लेंगे, ठीक है? पर अब जाने की बात बिल्कुल मत करो, बरसों के बाद तो मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बिल्कुल रजा के होने का एहसास होता, तुम्हारी दादू नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बगैर। दादू भाई कैसा रहा लंच? बहुत अच्छा रहा, आई एम वेरी हैप्पी कि उनको मेरा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का मतलब समझते हो? जी, अगर कामयाब हो गया तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरी कंपनी का नाम बन जाएगा। मुझे तुमसे यही तो है। आओ मेरे रूम में बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ गप लगाते हैं। कैसी डरी सहमी सी है वरीशा, सी बात से कैसा घबरा गई? बीजान लगता है महमूद का रवैया उसके साथ सही नहीं रहा, तभी वहाज की बातों ने उसको गहरी चोट पहुंचाई, बहुत बेबस महसूस करने लगी वो अपने आप को। माँ के बगैर रहना इतना आसान भी तो नहीं है। ठीक कह रही हो, बाप तो उसका है नहीं, वक्त और हालात ने मां से भी दूर कर दिया,
महक के गलत फैसलों ने मेरी बच्ची को बहुत बड़ी सजा दी है। तुम वहाज से बात करो ना कि वो जरा अपने रवैये में नरमी पैदा करे। जी बीजान, मैं बात करूंगी, लेकिन बेटा बहुत देखभाल के करना, कहीं वहाज को ये एहसास ना हो कि वरीषा के आने से उसकी अहमियत हम लोग के दिलों में कम हो गई है, इसीलिए शायद वो गुस्से में रहता है। जो कुछ मंगनी के दिन हुआ, अगर वो उस दिन ना होता तो शायद वहाज भी इतना खफा ना होता। ठीक कह रही है। जानते हो वहाज, मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता हूं, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे एक फरमाबरदार बेटा, एक दिलजोई करने वाला दोस्त और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिला। मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं गया, लेकिन अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला मैंने तुम्हारे मशवरे की रोशनी में किया है, और अब तक जितने भी फैसले किए हैं वो ज्यादातर ठीक ही किए हैं। लेकिन बाबा, आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? कोई गलती हो गई मुझसे क्या? नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं हुई है, शायद कहीं ना कहीं गलती मुझसे हुई है। मुझे अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात तुमसे नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे मैंने हर बात तुमसे की, ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर इसका क्या असर हो रहा। अगेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रही। जो भी बात है आप खुलकर कह सकते हैं मुझे। आज रजा की मौत के सदमे से मैं और बीजान बड़ी मुश्किल से निकले हैं। इस सदमे ने तो पापा जान छीन ली है, बड़ा मुश्किल वक्त देखा है हमने। हम सब ने हमेशा रजा की मौत का कसूरवार महक को ठहराया, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। रजा अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, और ये बात महक ने महमूद से शादी करके साबित भी कर दी। बाबा, ये सब बातें मैं बचपन से जानता हूं। हाँ मैं जानता हूं, तुम खुद बहुत समझदार थे, तब बातों को समझते थे, तब भी एहसास करते थे और अब भी एहसास करते हो। अब जब बीजान ने अपने दिल का हाल तुम्हें कहा है तो तुम वरीषा से क्यों नफरत करने लगे हो? हमने वरीषा को लेकर तो कभी भी तुमसे कोई ऐसी बात नहीं की है, तो फिर ऐसा क्यों है बाज? इसमें वरीषा का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बहुत छोटी थी जब वो गई थी। बाबा, बात नफरत की नहीं है, बात सही और गलत की, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मगर एक ही झटके में आपने चची जान और वरीषा की सारी बातों को मान लिया, उन पर यकीन कर लिया, शायद ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। बात समझने की कोशिश करो बेटा, मेरे भाई रजा के आखिरी अल्फाज ये थे कि वरीषा मेरी जिम्मेदारी है, मैं सोच कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट में उसकी कस्टडी नहीं ले सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तकदीर ने महक को इतना मजबूर कर दिया है कि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। तुम्हें पता नहीं है, मैंने उसका घमंड देखा है, उसका गरूर मेरे सामने है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, शायद वरीषा वहां पर महफूज नहीं है, इसलिए महक खुद उसे हमारे पास छोड़ने के लिए आई है, मजबूर हो गई है। ठीक है बाबा, आप मुझे बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आज वो तुम्हारे मरहूम चचा की बेटी है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खौफजदा है। जानते हो उसने बीजान से वापस आने की बात की है। मेरी सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट, तुम अपने रवैये में उसके लिए नरमी लेकर आओ, ताकि वो जान सके कि हमारे घर के मर्दों में और उसके सौतेले बाप के रवैये में क्या फर्क है। ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूं, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा।
I'm really sorry to say, आपके दिल में उनका प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे चची जान और वरीशा से कुछ खास अच्छी वाइब्स नहीं आती। थैंक्स फॉर द टी।